रहा है यहाँ पर। तो आज हम बात करेंगे भाईजान की एक ऐसी मूवी की जिसके सॉन्ग पर भाईजान के इतने हजार लाख करोड़ सिग्मा मेल एडिट्स बन चुके हैं। लेकिन ये मूवी इतनी बुरी थी कि सिर्फ इसका गाना ही चल पाया। तो भाई हम बात कर रहे हैं राधे मूवी की। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक अ मूवी बेस्ड ऑन कोरियन मूवी द आउटलॉस, मतलब इसकी तो ये भी रीमेक। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ पर गौतम गुलाटी कहता है मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है। आई मीन कहता है पैसा मत मिलेगा, अमीर हो जाएंगे रात में। हर नया लड़का मुंबई में आने के बाद पैसा ही पैसा हो गया। और ये है राणा, मूवी का मेन विलन, जिसका भौकाल सेट करने के लिए इन लोगों ने इस बंदे को मार डाला। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और इस शहर के लौंडे ड्रग्स लेकर मर रहे हैं, इसलिए इसे उड़ता पंजाब बना दिया है। हाँ, उड़ता पंजाब। और अब ये सब रोकेगा कौन? राधे। वाओ। और इसलिए अब राधे भैया ने मारी फ्लैश वाली एंट्री। ओ भैन भाई। और अपनी ही फाइट का फ्लैशबैक देके इसको ठोक के निकल गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और जिन भी लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब वीडियो की नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप आने वाले मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके, क्योंकि आप में से सिर्फ 16% लोगों ने ही ऑन की हुई है। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। एंड नाउ पुलिस डिपार्टमेंट ने ये केस राधे भैया को दे दिया, और राधे भैया को देखकर सभी के सभी लोग उनके फैंस बन गए और उनके पास दौड़े चले आए। सर थैंक यू, ड्यूटी के बाद मैं आपके साथ एक सेल्फी लूंगा सर। तभी जैकी दादा, जो कि राधे भैया के सीनियर है, उन्होंने आके बोला मावशी चिगांड, जिसके बाद भाईजान की गाड़ी खराब हो गई। जिसके बाद उनको दिखी दिशा, और उसे देखकर भाईजान ने अपनी दिशा बदल ली और दिशा ने भाईजान को लिफ्ट दे दी, और वो तो है जैकी दादा की बहन। व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट मैन। तुम ये मॉडलिंग का बदमाश काम कब बंद करोगी? ज्वेलरी के एड में सिर्फ ज्वेलरी है, कपड़े कहाँ हैं? लगता है दिशा दीदी को उनका असल जिंदगी का रोल करने को बोला है, हे, क्योंकि उधर भी तो यही सब चल रहा होता है। एंड मीनवाइल ये सब देखकर भाईजान भी बोले कि अपुन भी एक मॉडल है, मैं भी मॉडलिंग करता हूँ। एंड नाउ भाईजान ने इस बच्चे से प्रॉमिस किया कि वो इस शहर से ड्रग्स को मिटा देंगे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ तो मत सुनना बहन के लौटे। और अब पुलिस वालों ने बताया कि मुंबई में दो गैंग्स का राज चलता है, जिसमें से पहला है अनुपमा का पति और दूसरा है रावण जैसा दिखने वाला दगड़ू दादा। जिसके बाद भाईजान गुंडों के पीछे लग गए और इस गेल सप्पी की एंट्री हो गई। तुम इतनी तकलीफ उठाकर अनजान लोगों की मदद करते हो, पागल है क्या साली? बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में? फिर ये सब बकचोदी होने के बाद राधे भैया मॉडलिंग का फोटो शूट करवाने पहुंच गए। चलो चलो, गो टू दैट मार्क, टू द ग्रीन मार्क। नोटी उरा के बहन के लौड़े। जहाँ पर राधे भैया ने अपने कपड़े फाड़ दिए और दिशा उनके बोबे देख के पागल हो गई। वाओ, इससे तो बहुत मजा आएगा, बहुत आगे जाओगे। अच्छा। एंड नाउ भाईजान गुंडा गैंग के पास पहुंचे और बोले, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा, लिवर की जगह की। अच्छा, भाईजान हेवी ड्राइविंग के साथ साथ बायोलॉजी भी जानते हैं। वाह। और उसके बाद एक कैफे में मिलके दोनों गुंडा गैंग का भाईचारा ऑन टॉप करवा दिया। गले लगाओ। अच्छी बहन के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके अंगली घुमाई जाटाने। अरे सलमान भाई, आप भी रजत दलाल से मिलकर आए हो क्या? और कहानी में आता है एक ट्विस्ट, राणा ने दिलावर को मार डाला, वो भी उसी के भाई के साथ मिलकर। और तब भाईजान क्या कर रहे थे? दिशा के साथ चिपके हुए थे और एक गाना गाने चले गए। और मीनवाइल जैकी दादा ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ने गए और इन लड़कियों के साथ लिपटा लिपटी करने लग गए। और उसी होटल में राणा ने आके कुछ लोगों को मार डाला और होटल का मालिक बोलता है, मैं बचा जरूर लूंगा, चुप, आराम से बेटा, सांस फूल जाएगी। जिसके बाद क्या हुआ, दिशा पुलिस स्टेशन में आ गई। एक तो इस बहन का रोल क्या है इस मूवी में, बस दांत फाड़ती हुई आ जाएगी अपनी बकचोदिया करने। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। भोली, कुछ तो करूंगी मैं तुम्हारे लिए। Do it! Just do it!
एंड मीनवाइल राणा ने दगड़ू दादा के अड्डे पे आके उसी की गांड फाड़ दी। गांड फाड़ कर। जिसके बाद भाईजान की फेवरेट जैकलीन का एक सॉन्ग आ गया। और फिर नाच गाने के बाद भाईजान और राणा की फाइट हुई, जिसके बीच में इस लड़की ने पागलों वाली हरकत करके अपना गला कटवा लिया। सही में पुलिस वाली है ना तू? हमको नहीं पता। और फिर राणा भी वहाँ से भाग गया। एंड सिंस इस लड़की का गला कट गया था तो ये बहुत डर गई थी, इसलिए हमारे भाईजान ने इससे कहा, तुम डर से भागोगी, डर तुम्हारे पीछे भागेगा। माउंटेन ड्यू डर की माँ की चूत। और अब दिशा दीदी की एक और बार एंट्री हुई और वो भाईजान को देखकर बोली, खड़े खड़े सो गया, अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरे तो एल लग गए। एंड नाउ राधे ने दिलावर के भाई मंसूर को पकड़ लिया। अबे ये तो अर्जुन कनुंगो है ना, सिंगिंग करते करते एक्टिंग भी करने लग गया है। अब सलमान भाई की पिक्चर है तो ऐसा तो होना ही था। राणा को मैं मारूंगा। हाँ तो चूतिया ये सब पहले ही कर लेता, राणा के साथ मिलकर अपने भाई को क्यों मरवाया तूने? और ये सब होने के बाद राधे भैया ने राणा के राइट हैंड को पकड़ लिया, जिस वजह से राणा को आया गुस्सा और उसने जाके दगड़ू दादा को मार डाला। शिट। जिसके बाद राधे भैया के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसको इस केस से हटा दिया। इसीलिए मैं ये केस अभी के अभी एसीपी अर्जुन को हैंड ओवर करता हूँ। यार इनकी फिल्मों में ये सीनियर ऑफिसर्स इतने चूतिया कैसे होते हैं? और इन नए ऑफिसर्स ने तो राणा के राइट हैंड को छोड़ दिया। फोन करना ठीक है? क्यों किया तूने? क्योंकि ये प्लान हमारे राधे भैया का था ना ब्रो, ताकि वो इन सब के साथ राणा को भी पकड़ सके। बहुत मास्टरमाइंड है हमारे भाईजान। लेकिन राधे भैया का तो मिशन फेल हो गया और राणा ने हमारी दिशा को किडनैप कर लिया यार। जिसके बाद भाईजान को आया प्लान। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जिस राणा को तू ढूंढ रहा है। और उन्होंने एक फेक मैसेज करके इस होटल वाले को राणा को मारने भेज दिया, जिसके हेल्प से राधे भैया ने दिशा को बचा लिया और उसके मुंह पे टेप लगाकर पप्पी ले ली। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? देखो किस चीज तुम्हें करता नहीं स्क्रीन पे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अल्लू अर्जुन का गाना कॉपी करके बहुत ही वाहियात एक्सप्रेशन और स्टेप्स करके नाचने लगे। और अब हमारे भाईजान ने राणा के सभी ड्रग्स बेचने वाले लोगों को पकड़ लिया और एक रात गौतम गुलाटी को भी पकड़ लिया, लेकिन राणा तभी वहां से भाग गया। No, God, please, no, no! जिसके बाद भाईजान आ गए फुल फॉर्म में, क्योंकि अब तो मूवी का क्लाइमेक्स आने वाला है ना, और बोले, And I will clean the city up. स्वच्छ भारत जय हिंद। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हम। इसलिए अब भाईजान गाड़ी लेकर निकल चुके हैं राणा और उसकी गैंग के पीछे, पर इस बार फुटपाथ पे नहीं चढ़ाएंगे, डायरेक्टली चढ़ा देंगे सबके ऊपर। माँ की चूक। मैं फुटपाथ पे आता हूँ, समझ में नहीं। और तभी राणा हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग रहा था, इसलिए भाईजान भी फिजिक्स की माँ बहन करके उसके अंदर कूद गए। ओ बहन भाई। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हमारे डायरेक्टर प्रभु देवा को याद आया कि मूवी में जैकी श्रॉफ भी तो है, तो जैकी दादा ने एंट्री मारी और राणा ने उनकी कुटाई कर दी। बहुत मारा, मतलब माँ चूती। और उन्हें बचाने के लिए राधे भैया फिर से उठे और राणा को खिलौना समझ के तोड़ के मार डाला और अपनी डायलॉग बाजी करने लग गए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा ठीक है। और ये टॉर्चर खत्म। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस मूवी पर बनाऊं। बाय बाय।